कांग्रेस पर निशाना साधने की अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने तमाम हदों को पार कर दिया। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में प्रियंका गांधी की गर्दन को बाजू से दबाया जा रहा है। महिला पुलिस वाले जबरदस्ती प्रियंका गांधी वाड्रा को लिटा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा एक आम कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, और देखिए उनके साथ क्या बदतमीजी की जा रही है। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा जो एक ट्विटर यूजर ने किया है, और स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ किस तरह की बदतमीजी कांग्रेस के ब्लैक प्रोटेस्ट के दौरान की गई। जी हां, इन तस्वीरों के जरिए पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस को किस तरह का फरमान दिया गया था। देखिए, एक बात तय है कि जब भी राजनीतिक दल प्रदर्शन करते हैं तो ये अलिखित फरमान होता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ बदतमीजी और हिंसा नहीं की जाएगी। मगर एक लंबी परंपरा चली आ रही है, चाहे हाथरस हो, चाहे संसद के अंदर मामला हो, चाहे किंग्सवे कैंप के आसपास धरना प्रदर्शन की बात हो, हर जगह दिल्ली पुलिस ने, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी पुलिस ने, लगातार कांग्रेस के नेताओं के साथ इस तरह की बदसुलूकी की है। और यहां इन्होंने तमाम हदें पार कर दी हैं दोस्तों, जब एक महिला नेत्री के साथ इस तरह की बदसुलूकी की गई है। यहां जवाबदेही किसकी है बताइए। और सबसे बड़ी बात, मैं ये समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो विपक्ष के साथ बर्ताव को लेकर किस तरह की नजीर, किस तरह की मिसाल कायम करना चाहती है। आपका जो यही टूलकिट है, आने वाले दिनों में जब आप विपक्ष में जाएंगे तब यही टूलकिट जो है उस वक्त की जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनाने वाली हैं। जिस तरह के मनभेद, और मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मनभेद, जिस तरह के मनभेद विपक्ष और सरकार में हो गए ना दोस्तों, ये ना मिटने वाली दूरियां हैं। और आप जानते हैं सबसे हास्यास्पद बात क्या है, देश के गृहमंत्री अमित शाह आपके स्क्रीन पर, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जो बदतमीजी हुई है उस पर कोई टिप्पणी करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, वैसे भी मीडिया में हिम्मत नहीं है उनसे इस मुद्दे पर सवाल करें। वो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस आज जो ब्लैक प्रोटेस्ट कर रहा है, यानी काले कपड़े पहन के संसद पहुंचा है, दरअसल वो भगवान राम का अपमान है, क्योंकि आज भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था। यानी कि कुछ भी कहना, कुछ भी कहना। देश के गृहमंत्री अमित शाह को पता होना चाहिए कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है जो वोट्स के लिए लड़ाई लड़ती है। अगर कांग्रेस वाकई ऐसे कर रही होती है जिसमें वो भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास वाले दिन में श्री राम का अपमान कर रही होती, तो क्या इससे उसे राजनीतिक फायदा होता? यानी कि आपको महंगाई से जनता का ध्यान भटकाना है तो आप कुछ भी कहेंगे। और सबसे अजीबोगरीब बात, जो बात अमित शाह कह रहे हैं वही बात इनका पालतू मीडिया कह रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमित शाह ने दरअसल कहा क्या आपके स्क्रीन पर। आज ही के दिन श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था, इसलिए कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए यह विरोध कर रही है। गौर कीजिए, कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए यह विरोध कर रही है। यानी कि यहां पर भी मुस्लिम एंगल डाल दिया देश के गृहमंत्री अमित शाह ने। क्या करूं सर, आपको स्टैंडिंग ओवेशन दूं मैं? आगे, ईडी व महंगाई तो सिर्फ बहाने हैं, कांग्रेस का असली दर्द श्री राम मंदिर का बनना है। आज तो कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़कर काले कपड़े पहनकर विरोध कर दिया है। मैं देश के गृहमंत्री से समझना चाहता हूं, आपके बारे में आपके जो चाटुकार हैं वो आपको देश का चाणक्य कहते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब आपके पास बिल्कुल भी तर्क नहीं रहे? यानी कि महंगाई का, बेरोजगारी का जो विरोध हो रहा है, आपके दो पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद और निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि गांधी परिवार देशद्रोही है, गांधी परिवार इस तरह से विरोध करके देश का अपमान कर रहा है, एक तरफ तो देशद्रोही, अब यहां पर राम विरोधी, राम से नफरत करने वाला। यानी कि इनके पास कोई भी जरिया नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं बची, बस ले दे के वही देशद्रोह, देशभक्ति, धर्म, उसी में लोगों को उलझाए रखो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके जो यहां से खाली अंधभक्त हैं वो इस पर विश्वास भी कर लेंगे। मैंने आपको कार्यक्रम में बताया
कि इनका पालतू मीडिया भी लगभग वही जुबान में बात कर रहा है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से टूलकिट जो है पालतू मीडिया में सर्कुलेट किया गया है। मसलन ये जो एंकर है जिसके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी ने बहुत ही ऐतिहासिक शब्द कहे थे, उसने क्या कहा? बिल्कुल वही बात जो अमित शाह कह रहे हैं, कश्मीर में धारा 370 खत्म होने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की वर्षगांठ पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करना महज संयोग है। देखिए साहब, किस तरह से ये लोग पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करते हैं। एक पत्रकार का फर्ज होता है जो सत्ता में है उससे सवाल करे, महंगाई बेरोजगारी जिसका सीधा नाता इस देश के आम इंसान के साथ है, आप उस पर सवाल कीजिए। आप इस तरह से उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर मैं इस पत्रकार से, अंबानी के न्यूज चैनल के इस पत्रकार को याद दिलाना चाहूंगा कि 2017 में, यानी आज से 5 साल पहले, कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर क्या तंज कसा गया था। आपके स्क्रीन पर बिगेस्ट डिबेट, बिगेस्ट पैनल, राहुल का हिंदुत्व, अनमिसिबल जनेऊधारी हिंदू हैं राहुल गांधी, धर्म युद्ध में उलझा गुजरात चुनाव, राहुल के धर्म संकट में कांग्रेस, यानी कि जनेऊधारी यहां पर कह रहे हैं, मौसमी जनेऊधारी यहां कह रहे हैं। उसी तरह से आज तक का एक कार्यक्रम देखिए, दंगल, क्या राहुल गांधी के जनेऊ से कांग्रेस जीतेगी जंग, यह भी 30 नवंबर 2017 का कार्यक्रम है। इन दोनों की भाषा में कोई फर्क नहीं है, यह टूलकिट 2017 से अब तक चला आ रहा है। मगर इन चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले यह फैसला कर लो कि कांग्रेस हिंदू धर्म विरोधी है या फिर मौसमी हिंदू है, यानी कि राजनीति के हिसाब से जनेऊ पहन लेती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, पहले फैसला कर लो कि इन दोनों में क्या फर्क है। और जैसे मैंने कहा ना, सरकार के प्रोपेगेंडा को इनके पालतू मीडिया जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। मसलन ये जो पत्रकार है जिसने तिहाड़ जेल में रहकर पत्रकारिता का नाम रोशन किया है, वो क्या बोल रहा है आपके स्क्रीन पर, लाइट कैमरा एक्शन, राजनीतिक रील्स देखिए, फिर देखिए ये तस्वीर, किस तरह की बदतमीजी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक महिला नेत्री के गर्दन पर अपनी बाजू लगाना, बदतमीजी करना, उसके शरीर को छूना, मैं समझना चाहता हूं ये कहां की शालीनता है। थोड़ा पलटिए सीन को, प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह स्मृति ईरानी को रखिए। मैं ये समझना चाहता हूं क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो नजारा स्वीकार्य होगा? बताइए बताइए, सोचिए मत, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की बदतमीजी किसी के साथ, चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के साथ, कांग्रेस की किसी नेता के साथ, आम आदमी पार्टी के किसी नेता के साथ, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने तमाम हदों को पार कर दिया है, और इस मुद्दे पर सरकार से सवाल करने के बजाय इसको नाटक करार दे रहा है इनका पालतू मीडिया। जो बात अमित शाह कहते हैं कि साहब भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था आज के दिन और कांग्रेस उसका अपमान कर रही है, वही जुबान इनके जो पालतू गुल्लू और कालू हैं वही बातें यहां पर कर रहे हैं। वाकई इसलिए मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष की लड़ाई बेहद मुश्किल है। यह मैंने उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी कहा था कि अखिलेश यादव का जीतना नामुमकिन है, क्योंकि उनका मुकाबला मीडिया के प्रोपेगेंडा के साथ है। मीडिया जब 24 घंटे विपक्ष को इस तरह से गाली देता रहेगा, जैसे ये पत्रकार, जैसे ये न्यूज चैनल्स दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ना, विपक्ष आम जनता में किस तरह से अपनी जमीन तैयार करेगा, बताइए। यही वजह है कि राहुल गांधी ने आज कहा कि विपक्ष की लड़ाई तो पूरी सिस्टम के साथ है, पूरी वित्तीय ढांचे के साथ है, क्योंकि जब यह पूरा ढांचा भारतीय जनता पार्टी की जुबान में बात करता है तो स्वाभाविक सी बात है विपक्ष अपनी बात कैसे कहेगा। एक लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को अपना विरोध करने का पूरा अधिकार है, यही लोकतंत्र है भाई। 2014 से पहले भूल गए स्मृति ईरानी किस तरह से सिलेंडर के साथ किस तरह से प्रदर्शन किया करती थी? तो आज विपक्ष का प्रदर्शन देश विरोध, धर्म विरोध कैसे हो गया? मगर मुझे उम्मीद है दोस्तों, एक दिन आएगा जब इस देश की जनता को यह आभास होगा कि धर्म के नाम पर,
राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है, और सबसे बुरी बात, राष्ट्रवाद और धर्म दोनों निहायत ही खूबसूरत लफ्ज हैं, उनकी तौहीन बार बार की जा रही है जब आप उनका जिक्र फूहड़ अंदाज में करते हैं, फूहड़ अंदाज में। हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं, ना मेरे हिंदू धर्म का अपमान करें, ना मेरे देश से जुड़े उस जज्बे का जिसे हम नेशनलिज्म राष्ट्रवाद कहते हैं। क्यों, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। खैर, ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन तो बोलते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।